हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। और दोस्तों, आप यहाँ पर मेरे टेबल पर बिखरे हुए कई सारे सामानों को देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी जो एक्सेसरीज़ है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने एक नया लैपटॉप परचेस किया है, उसकी वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, उस लैपटॉप के लिए कुछ अलग से भी एक्सेसरीज लगती हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, उसी चक्कर में मैंने इन्हीं सभी एक्सेसरीज़ को खरीदा है। और होप करता हूँ दोस्तों, आप भी अगर कोई फ्यूचर में नया लैपटॉप परचेस करने जाएंगे तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको भी इन सभी एक्सेसरीज की जरूरत पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देख लीजिए, हो सकता है इस वीडियो से आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारे प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन सा एक्सेसरीज किस लिए किस काम में आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल की मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहली नीड होती है किसी भी लैपटॉप में, वो दोस्तों होती है मेरे हिसाब से एक माउस और ये एक लैपटॉप। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसकी एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा, इसके डेडिकेटेड वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, जो कि है दोस्तों ये ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से एक गेमिंग बजट गेमिंग माउस और कीबोर्ड कॉम्बो, जो मुझे यहाँ पर कुछ यहाँ पर 1200 रुपये का देखने को मिला था। तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसके इसके फीचर और फंक्शनैलिटी के बारे में, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि क्या दोस्तों ये कीबोर्ड और माउस आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो उस वीडियो के लिए आप ज़रूर से मेरे इस चैनल पे स्टे ट्यून करना। और ये तो हो गई पहली एक्सेसरी दोस्तों। अब यहां पर जो दूसरी एक्सेसरी आती है दोस्तों, वो है यहां पर ये। अब कई लोगों को इसकी ज़रूरत भी पड़ती है दोस्तों, कई लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर माउस और कीबोर्ड रखने वाला एक पैड। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, इतनी लंबी है। इस पर आप आराम से माउस और कीबोर्ड को रख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो प्राइस है, मुझे यहाँ पर कुल 625 रुपये की पड़ी थी जब मैंने इसको परचेस किया था, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी इसकी प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। थोड़ा सा मुझे ये एक्सपेंसिव लगा भले, लेकिन दोस्तों जब मैं इसको यूज करने लगा तो यहां पर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो दोस्तों, आपको ये एक्सेसरी जरूर परचेस करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो माउस होता है उसको आप कहां घिसेंगे, उसके लिए तो ये जरूरत पड़ेगा ही। अगर दोस्तों आप इसको नहीं भी परचेस करना चाहते तो दोस्तों, इसका जो छोटा वाला भाई आता है, यानी कि उस पर सिर्फ आप अपने माउस को घिस सकते हैं, उसको भी आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों, जो दूसरी एक्सेसरी आती है दोस्तों, वो है यहाँ पर ये दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं दोस्तों स्क्रीन क्लीनर है दोस्तों। यहाँ पर आपको कुशन्स वगैरह देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों मुझे कॉम्बो में मिला था कुछ 250 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप अपने लैपटॉप में फुस करके फिर उसके बाद उसको यहाँ पर इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको साफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादातर स्क्रीन को तो टच नहीं करता, उसका जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको ज़्यादातर साफ करता रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप लैपटॉप को पकड़ के जब ऊपर की तरफ उठाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उस चीज़ को मैं मिटाने के लिए, साफ करने के लिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों, ये कॉम्बो में मुझे मिला था कुछ 250 रुपये का। तो आपको दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहे तो ज़रूर खरीद सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी प्रोडक्ट मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको परचेस करना रहेगा तो आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई दोस्तों तीसरी एक्सेसरी। अब मैं यहाँ पर आपसे चौथी एक्सेसरी की बात करूँ तो दोस्तों, वो है यहाँ पर ये एक सिलिकॉन कीबोर्ड प्रोटेक्टर, जो दोस्तों मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को कवर करने के लिए इसको यूज़ करूँगा। और आप यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे दोस्तों कि कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो सीधा मतलब अपने कीबोर्ड पर लगा दूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप की कीबोर्ड की हालत ख़राब नहीं करना चाहते तो दोस्तों आपको ये एक्सेसरी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। इसे दोस्तों जो डस्ट वगैरह होता है वो भी आपके कीबोर्ड को ख़राब नहीं करता। जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी अगर आप अपने लैपटॉप की कीबोर्ड को यूज़ करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आपको जो कीबोर्ड है एक टाइम के बाद वो घिस जाने ख़राब होने लगे। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको एक कीबोर्ड ज़रूर परचेस कर लेना चाहिए। और दोस्तों, इसको आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में ज़रूर लगा दीजिए, इससे दोस्तों डस्ट वगैरह तो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो दोस्तों, ये पर 128 रुपीज़ का पड़ा था, अब इसको भी दोस्तों आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं आखिरी एक्सेसरी की बात करूँ तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है तो दोस्तों, वो है यहाँ पर ये लैपटॉप का स्लीप बैग। अब ये दोस्तों जो स्लीप बैग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप को
कहीं पर कैरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसको लैपटॉप को आप चाहे तो खुला भी ले जा सकते हैं, बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों उसमें कई सारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं और उसमें धूल वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों उस चीज़ से बचने के लिए आप ये लैपटॉप के स्लीप बैग को ज़रूर परचेस कर सकते हैं। जो दोस्तों इसकी प्राइस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 175 रुपीज़ की पड़ी है। ये यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप है वो 15.6 इंच वाला वेरियंट है। तो दोस्तों लिए मैं इसको यूज़ करूँगा दोस्तों अपने लैपटॉप को, जब मैं यूज़ करके खाली हो जाऊँगा तो दोस्तों इसमें रख दूंगा ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना पड़े, उसमें फालतू के डस्ट वगैरह ना घुस जाए, उस लिए मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगा। तो दोस्तों यही थी लैपटॉप मस्ट हैव एक्सेसरीज जो दोस्तों आपको परचेज करना चाहिए। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द दोस्तों हम क्रॉस करने वाले हैं 500 सब्सक्राइबर्स को, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।